नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यात्रियों को घंटों तक ठंड और बारिश में बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब यात्रियों को टोकन दिया जाएगा और टोकन से जो समय दर्शन के लिए लिखा जाएगा उसी समय यात्रियों को दर्शन के लिए जाना होगा। दरअसल केदारनाथ धाम की यात्रा पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए भक्तों को घंटों तक लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। बामुश्किल घंटों के बाद यात्री बाबा केदार के दर्शन कर पाते हैं। इस बीच यात्रियों को बर्फबारी, बारिश और ठंड का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। केदारनाथ दर्शन के लिए अब टोकन सिस्टम लागू हो चुका है। केदारनाथ दर्शन करने आने वाले प्रत्येक तीर्थ यात्री को टोकन दिया जाएगा। इस टोकन में दर्शन करने का समय लिखा होगा और ऐसे में जो समय यात्री को दिया जाएगा उसी समय वो बाबा के दर्शन कर सकेंगे और कुल मिलाकर यात्री घंटों तक लाइन में नहीं लगेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए टोकन सिस्टम में लागू किया गया है। अब जो समय यात्रियों को दर्शन के लिए दिया जाएगा यात्री उसी समय पर दर्शन के लिए लाइन में लग सकते हैं। बाकी समय में यात्री अपना अन्य काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर लाइन लगती है वहां पर बर्फबारी और बारिश से बचने के लिए रेन जो शेल्टर है इसका निर्माण किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं डीएम ने क्या कुछ कहा। सीजन है और अगर लंबी लाइन लगती है तो प्रयास है कि लोगों को बारिश में एक लाइन में ना लगना पड़े, इसलिए दो चीजें की गई है। एक तो टोकन व्यवस्था हमने ऊपर शुरू करी है ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि उनको किस समय लाइन में लगना हो ताकि उस सीमित समय के लिए वो लाइन में लगे, उनके दर्शन हो सके और बाकी समय में वो अपना अन्य कार्य कर सके। दूसरा, हमने जो हमारी मेन जहाँ लाइन लगती है वहाँ पर रेन शेड बनाने का कार्य शुरू कर दिया है जो कि अगले 15 दिन में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसे लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने भी बयान दिया है, आइए सुनिए। देखिए, हमारा प्रयास चल रहा है इस यात्रा को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने का, क्योंकि इसमें इस साल इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है उसी को देखते हुए पहली बार रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की गई है। और रजिस्ट्रेशन होने से कुछ तो बेटर हुआ है और कुछ लोग रुके भी हैं, पर फिर भी कुछ लोग आ जा रहे हैं ऑफलाइन। उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था ऋषिकेश में की गई थी बस अड्डे के पास, परंतु वो भी कैपेसिटी से ज़्यादा आ रहे हैं, उसके भी लिमिट पार हो गई है, तो इसलिए उनको ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है वहाँ पर। बाकी इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है मैं कहूँगा। अब हमने केदारनाथ जी में टोकन सिस्टम शुरू करने का प्रयास किया है पिछले 3-4 दिनों से, किंतु उसे पूरी तरह स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाया। मैं कल देख करके आया तो जिन लोगों को टोकन मिल जा रहा है वो भी लाइन में लग जा रहे हैं। टोकन सिस्टम का फ़ायदा यही था कि आपको 4-5 घंटे लंबी लाइन में नहीं लगना पड़े। आप एक बार ही टोकन ले करके आप घूमिए, आपको एक स्लॉट मिल जाता है 2 से 3, 3 से 4, तो उस स्लॉट में आके लाइन में आ जाइए, तो आपको इतना लंबा जो है एकदम से लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं एरिया में, बाकी क्षेत्र में घूम सकते हैं केदारनाथ क्षेत्र में। तो ये थी केदारनाथ से हमारे सहयोगी प्रवीण सेमवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।